कहते हैं ना, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट. जैसे जैसे वक्त गुजरता है सब कुछ बदल जाता है. थोड़ा सा आगे निकल जाओ तो कुछ पीछे छूट जाता है. लेकिन एक कड़ी है जो हमें जोड़े रखती है, जो हमें याद दिलाती है that we are all connected to the same land. और वो है हमारे त्योहार और उनसे जुड़ा खाना. और यही है त्योहार की थाली. बचपन में ना दरवाजों के बीच में अखरोट रख के तोड़ लिया करती थी मैं, बड़ा मजा आता था. वैसे भी मुझे अखरोट ऐसे तोड़कर खाने में ज्यादा मजा आता है. वो जो सिर्फ गिरी मिलती है ना पैकेट्स में, उसमें इतना मजा नहीं आता. खुद तोड़ के खाओ तो लगता है कि हाँ भाई, खाने के लिए मेहनत की है. मेरा ना बचपन कश्मीर में बीता है. पापा की पोस्टिंग थी जब मैं बहुत छोटी थी, तो मुझे ज्यादा तो याद नहीं है, लेकिन कुछ चीजें ना बहुत अच्छे से याद है. एक तो हमारा घर याद है, पापा के ऑफिस का रास्ता याद है, उसमें पैसेज में ना पूरे फूल फूल होते थे. फिर वो चेयर लिफ्ट याद है, एक बार हम लोग वैली के ऊपर थे एकदम, और बीचों बीच वो चेयर लिफ्ट रुक गई थी. और ये याद है कि पहलगांव में ना जब हम बैठे हुए थे तो एक अखरोट वाला आया था. उसके पास ना वो फ्रेश वाले अखरोट थे, एकदम नए जो होते हैं, ग्रीन वाले, और वो सामने से वहीं के वहीं निकाल के वो अखरोट दे रहा था. मेरे घर में कोई नहीं मानता, लेकिन उस अखरोट का टेस्ट मुझे आज भी याद है. वो जो टेस्ट था ना, आज तक किसी अखरोट में नहीं मिला. आज ना मुझे कश्मीर बहुत याद आ रहा है, आई थिंक महाशिवरात्रि की वजह से. महाशिवरात्रि को ना कश्मीर में हैरत कहते हैं, और वहाँ पे जब महाशिवरात्रि की एक दूसरे को बधाई देनी होती है ना, तो कहते हैं हैरत मुबारक. वैसे ये हैरत शब्द जो है वो हर रात्रि से आया है. हर एज इन हर हर महादेव, हर शिव का ही एक दूसरा नाम है. तो हर रात्रि मतलब शिवरात्रि, और उससे आया है हैरत. देश के बाकी हिस्सों से एक दिन पहले मनाई जाती है कश्मीर में शिवरात्रि, और इसकी तैयारियां 3 हफ्ते पहले से शुरू हो जाती हैं. लेकिन अभी मुझे तैयारी करनी है अपनी आज की रेसिपी की, और वो है नदरू यखनी. कश्मीर में ना हम लकड़ी के घर में रहते थे, और सर्दियों में कमरे में एक बड़ी सी बुखारी जलती थी कमरे को गर्म रखने के लिए. और माँ ने तो ना अपने कपड़ों में ही वो छोटी सी कांगड़ी रखना भी सीख लिया था. ओके, अभी इसको बॉईल करना. सिर्फ इतना पानी चाहिए कि ये पानी में अच्छे से डूब जाए. तो पहले डाल देती हूँ इसमें नमक, लौंग 4-5, बड़ी इलायची तो एक ही जाएगी, छोटी इलायची 4-5, देन 1 चम्मच हींग, सौंफ, अभी दालचीनी, 1 तेजपात का पत्ता. अब इसको बॉईल होने के लिए रख देते हैं. अरे सुप्रिया होगी, सुपी. कितने दिनों बाद. थैंक यू, पता है मुझे लगा तू नहीं आ पाएगी. ऐसे कैसे हो सकता है, शूटिंग के पीछे से भाग कर आई. रियली? हाँ, और तेरे हाथ का बना खाना खाना था, तुझसे मिलना. ये क्या लाई है? देख देख देख. अरे यार, खुशबू तो इतनी अच्छी आ रही है. तेरे घर में भी तो कितनी दम आलू. सुपू, इसमें आंटी के हाथ के बने हुए दम आलू की खुशबू आ रही है यार. मैं भी देखूं जरा किचन में तूने क्या क्या बनाया. आजा आजा, मैं खुशबू यहाँ तक आ रही है. आई एम सो हैप्पी कि तू दम आलू लेकर आ गई, बस ये मिसिंग था.
नदुर यखनी yes! मेरी फेवरेट है मैंने बनाया can you imagine बहुत अच्छा अच्छी सीख गई है लड़की है प्याज तो कटे हुए पड़े हैं देख ले तो मेरे लिए आसान हो गया चल तब तक मैं दम आलू इसमें शिफ्ट कर लेती हूँ पूरा तो नहीं जलाएंगे ओह दम आलू कितना अमेजिंग लग रहा है सुपु है ना बस जल्दी जल्दी बना दिया मैंने पता नहीं कैसा बना बहुत अच्छा बना है बस तुझे अच्छी लगे आहा ये छोंग की आवाज कितनी अच्छी लगती है ना टू कूल बहुत सुंदर है ओह आई कांट वेट सुपु जल्दी कर तुम लोग क्या इसको भें कहते हैं ना भें हमारे यहाँ नद्रू कहते हैं चल ये तो टाइम लगेगा तू एक काम कर तू तब तक खाना लगा हाँ ताकि हम टूट पड़े बहुत भूख लग रही है सिर्फ ये यखनी रहने देना इसके ऊपर तड़का लगाएंगे ठीक है मैं ये रख हाँ। देती हूँ तब तक चल आई थिंक अब ये काफी ठीक सा लग रहा है मुझे इससे ज्यादा किया तो जल सा जाएगा और वो सरसों का तेल है ना साथ में ओहो हो वाओ तुम ये लेके जाओ टेबल पे मैं बस ये सिंघाड़े की जो कतली है ना वो काट के लेकर आती हूँ ठीक है तुम जल्दी से आ जाओ यस 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 ओहो इसे तो थोड़ा टाइम और लगेगा इसे ठंडा होने के लिए रख देती हूँ चल आ जा अब जल्दी से सब लग गया है आई 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 बस अरे तू वो कतली नहीं लेकर आई अरे वो ठंडी नहीं हुई है जब तक ठंडी नहीं होगी काट नहीं सकते चल ठीक है तब तक हम खाना खाते हैं तब तक ठंडी हो जाएगी ये ले और ये चम्मच चम्मच कश्मीरी खाना सिर्फ हाथ से खाया जाता है चलो ठीक है भाई हाथ से खाते हैं चल सॉरी मुझे ना मम्मा के लिए एक फोटो लेनी है अरे रुक रुक हाँ मेरी पॉकेट में मेरा फोन पड़ा है ना तो इससे ले ले तब आंटी को भेज देंगे मैं तेरे को भेज दूंगी तू भेज देना आंटी को ओके ओह नाइस ये लीजिए मोहतरमा और वो क्या बोलते हैं हैरत मुबारक वेरी गुड मैं तो सबसे पहले दम आलू टेस्ट करने वाली हूं हां पता नहीं कैसे बने हैं बहुत दिनों बाद बनाए हैं हां साक्षी सच में बहुत अच्छी बनी है नदुर यखनी सच्ची में जब चाहो ऑन हो जाओ एपिक ऑन चलाओ डाउनलोड द एपिक ऑन ऐप